एरोप्लेन का भी ड्राइवर है ना, कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारी गाड़ी से एक साली चींटी मर जाए, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं ना कि हमारे प्राण की जैसे उसका भी प्राण है। अब बताइए। हेलो गाइस, फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूँ बैडन। अभी फिलहाल आज भी मैं फिर से जाने वाला हूँ बैडन बस स्टैंड। और क्या जो अभी बस का कंडीशन क्या है, बस ड्राइवरों का लगभग बहुत सारा बस जो है बंद हो चुका था, तो उनका कंडीशन क्या है, और उनसे जो है दो चार बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका हाल कैसा है, अभी कैसा है, उनके साथ जो है कैसे सिचुएशन में वो हैं, और क्या रिएक्शन देते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है, उनका सोच क्या होता है, उनसे बात दो चार सब बात करेंगे तो पता चलेगा। तो आप लोग भी वीडियो पर लास्ट तक जरूर देखना। मैं अगला वीडियो में दिखाया था, उसमें आया था किस प्रकार से उन लोगों ने अपना मतलब जो भी था उनके दिल की बात तो वो शेयर किए थे। तो आज मैं फिर से जाने वाला हूँ और भी बताने वाला हूँ कि उनका जो है क्या है, उनके साथ जो क्या सिचुएशन बीत रहा है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, तभी मैं जाऊँगा और दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा। जानबूझ के मारा नहीं चाहता है, लोगों को ऊपर गाड़ी चढ़ाया था। अब बताइए, अगर दस दिन कर देना तो देखिएगा कितना ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगा। हम सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं, कल भी हमने मीडिया के माध्यम से अमित शाह से यही बोला है कि अब सलमान खान जैसे अपराधी को ड्राइवर, कभी कोई भी ड्राइवर होगा ना, चाहे साइकिल से लेकर के और एरोप्लेन का भी ड्राइवर है ना, कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारी गाड़ी से एक साली चींटी मर जाए, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं ना कि हमारे प्राण की जैसे उसका भी प्राण है। अब बताइए, 7 फीट 8 फीट ऊपर में रहते हैं आप लोग, दिखता थोड़ी ना बाइक वाला लाल, हमें दिखता है, जानबूझ के घुसाता है ना। अभी मैं परसों की बात बताता हूँ सतना की, मेरी ये जो नई वाली गाड़ी आती थी लाल वाली, तो हम लोग टंकी से निकले गाड़ी लगाने के लिए स्टैंड में, डीजल टंकी से, तब तक सामने मोटरसाइकिल वाला आके गिर गया। ड्राइवर साहब हमारे पूरी गाड़ी दहीने खींच गए, मेरी गाड़ी भिड़ गई, 3 हाथ गाड़ी खींच गई लोखंड। अब उसका कौन देगा, अमित शाह देगा नहीं देगा, चलो बनवा लो। अब हम उसको बचाने के लिए ही गाड़ी लगा दी, हम बचा सामने वाले को बचाने के लिए हम पलट जाते हैं, सामने वाले को बचाने के लिए हमें चोट लग जाती है, उसका कौन देखता है। इन लोग को ना जैसे मन करता है वैसे कर रहा है। अभी कुछ नहीं, लोकसभा में इसकी सरकार इस बार नहीं आएगी, ये गारंटी है। हर चीज को देखिए ना, हर चीज के लिए लोग ना इंसाफ करता है, बहुत ज्यादा। ये विधानसभा में जीत गया क्या, खाली कांग्रेस के मध्य प्रदेश में दो ही सीट आने वाला था। मन मर्जी कर रहा है ना, ये लोग जैसे चाहे वैसे कर रहा है। इन लोगों को इतना दिमाग नहीं आ रहा है कि थोड़ा और चौड़ा रोड बनवा ले और विकास करें, तो सीधे बंद कर रहे। सबसे बड़ा रोड में तो होल ला गए, जो चौड़ा रोड बन गए यहाँ, तो मोटरसाइकिल वाले आए पुक्के से घुस गए। जब घुस गए ये बड़ी गाड़ी आई, इनका तो कम से कम यहाँ से लेके सामने दुकान तक में इनका ब्रेक ला गया, यो स्पीड मरा दिया ना, ये कम से कम 60 मगर जो इनका चलावे तो ये हवा में रहती है। तो देखिएगा ना भैया, बस 5 दिन अगर बंद हो जाए ना ट्रांसपोर्टेशन, देखिएगा कितना महंगाई बढ़ेगा ना, दुकान वुकान में सारा चीज जो है बंद हो जाएगा, जो कच्चा माल आता है वो तो बंद ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इधर से चला रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा, इधर वो खाई में लेते जा रहे हैं, भारत को बेचे डाल रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ का कांड देखे ना, हसदेव वाला कितना जबरदस्त हो रहा है, जैसे ही बीजेपी आया तुरंत लागू कर दिया कोयला वाला खाना। कुछ नहीं, ऐसे छत्तीसगढ़ के जैसे उड़ाए थे ना, जैसे वहाँ का नक्सलवादी उड़ाए थे था, बस्तर साइड बस उधर नहीं खोदा खुद ही हो रहा ज्यादा, बाद बाकी उड़ाव शुरू कर दिया। यह सब कहानी है, कब तक हम पंचे साहब। सही बात है आपका भी, देखिए आप लोग परिवार छोड़ के पूरा जिंदगी बस में गुजार देते हैं, ट्रक में गुजार देते हैं, वो भी 10-15-20 हजार के लिए। 3-4 चीजें मोटरबाजी छोड़े के पड़े, खाना घर और सोना, सारा चीज 10 लाख हो तो यहाँ लोहा ढोसे नहीं आई। सही बात है, 10 लाख अगर होता है अभी का तो बिजनेस करी। अरे 17-18 हजार 20-22 हजार जो पाता है इंसान, एक्सीडेंट हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक दिन का ड्राइवर का पगार होता है 500 रुपये, ठीक है। हम सतना से आते हैं सिंगरौली मैडम, 3 दिन होता है, कितना मिलता है ड्राइवर को बेचारे को, 1500। हम हेल्पर हैं, हमें मिलता है 1000। हमको बोलते हैं, हमको बोलते हैं कि वर्दी पहनो, खलासी का कौन सा वर्दी करूँ, कंडक्टर और ड्राइवर का।
आरटीओ पागल है जो लाइसेंस बना के ड्राइवर को देखता है। पूरा पूरी देखा जाए तो एक हिसाब से ना, और नहीं तो जिस रोड पे बस जाती है ट्रक जाती है उस रोड पे बाइक और टेम्पो बंद। वही तो बता रहे हैं हम, वही ना बोलना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी जो है, एक चीज बता रहा हूँ, यूपी का यादव है, सुनिए, ये अपने एमपी का नहीं है, यूपी का है, तो ये योगी वाला वो चला रहा है, इसको ये नहीं मालूम। लेकिन हम लोग परेशान हैं, दिक्कत में पड़े हैं सर, हमको गाड़ी का वाहन नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करें, आप इसको बताइए समस्या क्या होगा। तो देखिए ये बनारस जाने के लिए अपना बैग झोला लेके तैयार है, लेकिन कोई गाड़ी यहाँ तैयार नहीं है इनको जाने के लिए, सुबह से परेशान है, गाड़ी के इंतजार में है, और हमारे साथ गाड़ी के चालक भी हैं, इनसे भी दो लाइन क्या कहेंगे आप, क्यों आप लोग गाड़ी खरीदी है, कि भाई जो है तो कौन इतना जो है 10,000 रुपये जो है 10,00,000 रुपये जुर्माना देगा और प्लस जो है तो 10 साल की सजा, इससे बढ़िया ड्राइवरी छोड़ के जो है तो आदमी लेबर मजदूरी कर लेगा वो संतुष्टि है, मगर यह गाड़ी चलाने से क्या मतलब जो है 10 साल जेल रहे। तो गाइस आप लोग देखे कि पब्लिक का रिएक्शन क्या था, तभी आप लोगों को मैं दिखाया, तभी मैं जैसे ही मैं इस साइड में घुसता हूँ अंदर साइड में तो मुझे जो है यहाँ पे बस बहुत सारा खड़ा दिखा, लेकिन मैं जाता हूँ बस कोई पता करने, तो कोई सा भी बस जो है चल नहीं रहा था, तो भी मैं जो भी बस मतलब अंबिकापुर सब जाता था वो बस अभी सारा बंद हो चुका है, तो अभी मेरा यहाँ इस साइड में बस खड़ा होता था जहाँ इस साइड में दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो है यहाँ पे टिकट विकट काउंटर वाला सेंटर था सब कुछ बंद हो चुका है, तो अभी कोई सा भी मतलब बस उस नहीं चल रहा है और टिकट उकट सब मतलब काउंटर जितना भी था बंद हो गया, अब क्या काम करें। दोस्तों बैठन के बस स्टैंड में आया था, यहाँ पे बस कोई भी बस नहीं चल रहा है, पूरा बंद हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं जितना ही बस था ना टोटल बस अभी बंद हो चुका है यहाँ इस साइड, तो यहाँ पे आके देखा तो बस ही नहीं है, मेरा बंद हो चुका है पूरा, यहाँ पे छावड़ा लगता था और यहाँ पे कोई सा भी बस नहीं चल रहा है, तो यार परेशानी तो हो ही रहा है, जितना बस है खड़ा तो है लेकिन कोई सा बस चल ही नहीं रहा है, पूरा जाने के लिए यात्री लोग को परेशानी हो रहा है। पूरा बस स्टैंड जो है अभी पूरा बस खड़ा है, बस स्टैंड में पूरा बस, लेकिन कोई सा बस कहीं नहीं चल रहा है, बस ऑटो बस चल रहा है यहाँ आज जो है यहाँ पे, अभी कब तक बंद रहेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन अभी और बंद होने वाला है अभी, जब तक हमारे शासन जो है अमित शाह जो है रिटर्न नहीं ले जाता नियम, तब तक जो है लगता है बंद ही रहेगा यहाँ शायद। कोई सा भी बस नहीं चल रहा भाई, गाइस अभी आप लोगों में दिखाया पब्लिक का रिएक्शन क्या है बस स्टैंड में जाके, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ये उन लोगों का जो भी उनके द्वारा जो भी बताया गया वो सही है या फिर गलत है, आप भी अपना राय जरूर देना, क्योंकि अभी मैं जाके उनसे मिला और जैसे ही मैं मिला उनसे तो कुछ सवाल पूछा और उन्होंने जो भी बताया अपने दिल की बात उनके साथ जो भी बीता तो वो अपने साथ मतलब मेरे साथ जो है शेयर किए, तो वो जो है कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों जल्द किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आज के लिए बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए